बात यमुनानगर की, जहां होली के दिन सियासी रंग देखने को मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होली मिलन कार्यक्रम में 24 के चुनाव पर कहा कि अगले साल मई अक्टूबर में भी ऐसी ही होली मनाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। दो अवसर और आने वाले हैं, आप लोग इसी प्रकार की खुशियों की रंग बिरंगी होली मनाने के लिए तैयार रहो। जैसे बुराई खत्म होती है अच्छाई की जीत होती है, तो एक होली तो आपने इस प्रकार की अगले मई में मनानी है और दूसरी होली अगले साल अक्टूबर में मनानी है। इसकी तैयारी आज ही कर लो, इस तैयारी को आज ही कर लो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक रूपी जो एक एक ही है जिसको कहना चाहिए कि युद्ध है, इस युद्ध के अपने नियम है, उन नियमों के अंतर्गत हमने इस युद्ध को लड़ना है, जीतना है। क्योंकि जो आज तक की राजनीति चलती आई है, उस राजनीति में जो स्वार्थी राजनीति है, उसकी जान एक जगह अटकी होती है। जैसे रावण की जान कहां अटकी थी? कहां अटकी थी? नाभि में। और ये स्वार्थी राजनेता होते हैं, इनकी जान सत्ता में अटकी होती है, सत्ता में। अगर इनको मारना है तो सत्ता कभी भी उतर ना जाए, और अच्छे हाथों में सत्ता रहेगी तो सेवा का ये प्रवाह, सेवा की ये गंगा, सेवा का ये सागर लगातार चलता रहेगा। और इस मामले में यमुनानगर जिले के लोग, मैं समझता हूं, बहुत ही सूझबूझ से, क्योंकि यहाँ की प्रवृत्ति है, यहाँ की भावना है, यहाँ के लोगों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, पर सेवा, परोपकार, दूसरे की सेवा, ये हमेशा आगे रहे। कभी यहाँ कोई बड़ी समस्या की इन्होंने सामाजिक समस्या खड़ी नहीं की, केवल इसलिए कि परस्पर प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है। जो हमारा भाईचारा बना है, ऐसे अवसर पर हम उसी का संकल्प लेकर के, दिशा अपनी क्या है, उस दिशा को सही मायने में देखते हुए हम अपने आप को तो त्याग कर ही रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द समाज के सब लोग हैं, उनमें ये संदेश जाए, होली के त्योहार के ऊपर हम इसी प्रकार का संकल्प लेकर के आगे आने वाले समय में विजय का संकल्प, जीत का संकल्प, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, झूठ के ऊपर सच की विजय, इस विजय को लेकर के चलने के लिए होली के अवसर पर संकल्प लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आज होली के इस पावन अवसर पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दे और वो इंग्लैंड में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के बजाय यहाँ की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलने की बजाय और अनगढ़ आरोप लगाने की बजाय मिलजुल कर हिंदुस्तान की जनता के साथ होली खेले और भारत को 2047 में एक महान राष्ट्र बनाने में विश्व का योगदान करें और विपक्ष की भूमिका जो निभाई जाती है उसको निभाने का वो करें। और हम जो है उनको प्रार्थना करते हैं होली के इस पावन अवसर पर कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो भारत के बारे में अच्छा अच्छा सोचें।